रीवा के ऐतिहासिक बैजू धर्मशाला में हर साल की तरह इस साल भी शिव बारात निकाली जाएगी। इस बार की शिव बारात कई मायने में खास है, जहां एक और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है ये शिव बारात, वहीं दूसरी ओर आज ऐतिहासिक बैजू धर्मशाला में मां पार्वती की मेहंदी हल्दी कुमकुम की रस्म रीवा शहर की महिलाओं ने निभाई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा में महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य आयोजन 18 को महाशिवरात्रि के दिन होगा, लेकिन उसके पहले रीवा के ऐतिहासिक बैजू धर्मशाला में मां पार्वती की मेहंदी हल्दी कुमकुम की रस्म रीवा शहर की महिलाओं ने निभाई। इस बार की महाशिवरात्रि रीवा के लिए ऐतिहासिक होगी। पूरी दुनिया महाशिवरात्रि के दिन रीवा में एक नए रिकॉर्ड के रूप में भी दर्ज की जाएगी, उसकी तैयारी भी जोरों से चालू है। फिलहाल देखिए महिलाओं ने किस तरीके से आज यह आयोजन किया। तो आज मैम ये कैसा आयोजन है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, इसकी क्या खासियत है कुछ आप? शिवरात एवं जन कल्याण समिति द्वारा इस कार्यक्रम को हल्दी मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी पूरे सभी संगठनों द्वारा ये कार्यक्रम सम्मिलित आयोजित किया जा रहा है, जो कि काफ़ी भव्यता लिए हुए है और रीवा शहर के लिए एकदम ऐतिहासिक ये पर्व मनाया जा रहा है। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना यहाँ पर कीमती समय दिया, और इस कार्यक्रम को हम हर साल इसी तरह और भी अच्छे से करते रहेंगे। हाँ नमस्ते, मैं ये बोलना चाहती हूँ ये कार्यक्रम मेरे ससुर द्वारा 40 वर्षों से लगातार होता आ रहा और ये अपने भव्य रूप में आ रहा है। यहाँ पर उनके लड़के मतलब मेरे पति मनीष गुप्ता, वो दिन पे दिन मतलब सब भक्तों की वजह से बढ़ता ही जा रहा है, जो एक एकदम भव्य रूप ले लिया है। यहाँ सबके मन में शिव भक्ति अपने आप आती है और सब अपने से आते, कोई बहुत ज़्यादा बुलाना नहीं पड़ता, सबके मन में बहुत ज़्यादा भाव होता है इस टाइम, इसलिए हमारी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मानती भगवान को, ये भी मानते हैं। यहाँ तक कि रीवा में महामृत्युंजय भगवान है, यहाँ सब लोग के मन में अलग ही है भगवान का स्वरूप। धन्यवाद। अब चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपने सुना वंदना मैम ने और भाभी ने इतने अच्छे से बोला, अभी हम चाहते हैं कि योगिता मैम और प्राची मैम बस बहुत छोटे थोड़े शब्दों में दो दो लाइन बोल रहे हैं, प्लीज बताएं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला है, और साथ ही मैं यहाँ पे बैठी सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। भोले बाबा के नाम से आज मतलब पूरा सर्व समाज भगवान के नाम से आज देखिए सभी सभी वर्ग की महिलाएं आज यहाँ पे एकत्रित हुई है। मैं प्राची शुक्ला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ हल्दी मेहंदी का संगीत रखा गया मनीष भैया के द्वारा, इसमें हम लोगों ने उम्मीद ही नहीं की थी कि इतने लोग आ जाएंगे, है ना? मगर आप लोग देख सकते हैं इतनी भीड़ है, इतनी उत्साह है, और आप लोग सारी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इसको गरिमामय बनाए। ये मैं प्रतिभा ताम्रकार, ये हमारे रीवा का ये पहला प्रोग्राम इस तरह का है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति एकत्रित हुई है, जो वाकई में अपनी मतलब एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा पैमान दिया कि ये सारी मातृशक्तियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर आए सभी मातृशक्ति को मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी मातृशक्ति को मैं धन्यवाद करती हूँ, और शिव की बारात कल जाएगी, 18 तारीख को जाएगी, यहाँ पर हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा, और सभी मातृशक्ति बार बार सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मैं ममता सिंह परिहार, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आज यहाँ मनीष गुप्ता जी द्वारा चल रहा है, और यहाँ पे सर्वहारा वर्ग के माताएं और बहनें उपस्थित हुई है, मातृशक्तियों को सलाम है और बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव का की बारात 18 तारीख को, आप सब उसमें पधारे, धन्यवाद। कृपया फोटो तो खिंचवा रहे हैं।
आज कश्यप पार्वती का ये हल्दी मेहंदी कार्यक्रम जैसा हमेशा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमेशा से होता आया रहा, लेकिन इस बार एक सबसे स्पेशल कार्यक्रम ये है कि हमारी माता जी के लिए एक बेहतरीन आज हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम, संगीत बहुत अच्छा लग रहा और सभी मातृशक्तियाँ एकजुट होके सभी यहाँ पर आए हुए मातृशक्तियों को बहुत बहुत नमन और मनीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं महामृत्युंजय की नगरी से, महामृत्युंजय की कृपा से हर साल जी ये जो मैं भव्य कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, मैं उसमें शामिल होती हूँ। मुझे याद है जब से मैं पार्षद बनी हूँ मैं लगातार आती हूँ और मनीष भैया का ये कार्यक्रम देख करके तो रीवा का हर व्यक्ति इतना खुश और मंत्रमुग्ध हो जाता है कि भूल जाता है कि मुझे बुलाया गया या नहीं। भगवान के दरवाजे आने के लिए कोई बुलाव की ज़रूरत नहीं होती है। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ मनीष भैया को कि वो इसी तरह हर साल कार्यक्रम को और भव्य बनाते रहें ताकि यहाँ की जनता कम से कम भगवान शंकर जी के चरणों में आकर के अपने पापों को और अपने दुख दर्दों को भूल करके और सब ये रीवा की जनता के लिए अच्छा आशीर्वाद करे। जय बाबा विश्वनाथ, बाबा महामृत्युंजय, जय।